बिहार में शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे पुलिसकर्मी नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ डीआईजी का रीडर। एक तरफ जहां बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून के रखवाले ही इसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिसकर्मी जाम छलकाते नजर आए। ताजा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया का है, जहां शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में बिजली कटने की समस्या होगी पूरी तरह दूर, मिलने लगेगी अतिरिक्त 559 मेगावाट बिजली। बिहार के लोगों को अब और अधिक देर तक बिजली मिल सकेगी, साथ ही छोटे शहरों में भी बिजली कटौती की समस्या कम होगी। बता दें कि औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी और अंतिम इकाई के विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। बिहार के गोपालगंज में कार की डिक्की से मिले 1.5 करोड़ रुपए, सभी 500 और 2000 के नोट, तीन युवक हिरासत में। बिहार के गोपालगंज में एक कार से करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की रकम बरामद हुई है। पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हथुआ SDPO नरेश कुमार के नेतृत्व में कार से जब्त किए गए नोटों की गिनती की गई तो 1,48,99,500 रुपए निकले। बरामद सभी नोट 500 और 2000 रुपए के बताए जा रहे हैं। दरभंगा महानगर युवा राजद दरभंगा के अध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि आगामी 13 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेनीपुर आ रहे हैं। इस दौरान सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी होगा। राकेश नायक ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर नौजवानों को राजद की विचारधारा से अवगत कराना है। बैठक में टिंकू बारी, रंजीत यादव, अक्षर शाह, श्याम यादव, शमशेर सरवन राय, संजय बारी, राकेश कुमार, गुड्डू बारू, छोटू यादव, उमेश महतो, अकबर अली, गोविंद सहनी, इंद्रजीत पासवान, अजय महासेठ, गोविंदपुर धाम आदि शामिल थे। बिहार में 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है, 5 कारोबारी भी गिरफ्तार। होली के लिए मंगाई गई थी बड़ी खेप। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस आए दिन भारी मात्रा में शराब और उसकी तस्करी करने वालों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की। होली को लेकर शराब माफिया द्वारा इतनी बड़ी खेप मंगाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा में मंदिर, मस्जिद व शमशान की घेराबंदी को लेकर भिड़ी RJD व BJP, JDU ने साधी चुप्पी। बिहार विधानसभा में सोमवार को मंदिर, मस्जिद व शमशान की घेराबंदी को लेकर RJD और BJP विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भारत में सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 54,118 हो गई है। भारत में COVID-19 के मामले में तेजी से गिरावट हो रही है, नए मामले भी कम होते नजर आ रहे हैं। वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 4,362 नए मामले सामने आए। अब सक्रिय मामलों की दर 0.13% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.7% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना से जान गई है, जबकि 9,620 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की ललकार से हिला नाटो। बोले तब कहां थे जब 13,000-14,000 लोग मार दिए गए, डॉनबास निवासी आवारा कुत्ते नहीं। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकार दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर अटैक करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उसने डॉनबास के लोगों का जीना हराम कर कर रखा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13,000-14,000 लोग मार दिए गए और पश्चिम चुप रहा, डॉनबास निवासी आवारा कुत्ते नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूक्रेन को पश्चिमी देश दुनिया के सामने मासूम बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन असल में यूक्रेन ऐसा नहीं। आज जो रूस कर रहा है वो मजबूरी में आकर कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन लगातार डॉनबास के लोगों की जान ले रहा था। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण को एक कठिन फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाना आसान फैसला नहीं था। हायाघाट में उप मुख्यमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। दरभंगा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की देर शाम हायाघाट में भव्य स्वागत किया गया। विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग, चादर व मखान की माला से स्वागत किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रसाद ने हायाघाट 20 क्षेत्र के विकास के लिए कई बातों को डिप्टी CM के समक्ष रखा।
मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी केवटी, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सहनी, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, महापौर मुन्नी देवी, महापौर भारत सहनी, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता आदि शामिल थे। यूपी चुनाव में कल पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान किया गया। पीएम मोदी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई यूपी के सातवें चरण में है। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल थी। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उनके सहयोगी सुसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राजनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिलों में बीजेपी और उनके सहयोगी अपना दल का प्रभाव माना जाता है। तेजस्वी यादव ने कर दी घोषणा, योगी की विदाई तय, यूपी में 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का कल आखिरी चरण का मतदान पूरा हुआ। विधानसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक वोटिंग चली। इस चरण में 9 जिले की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हुए हैं। बिहार की सियासत भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर खूब गर्म है। यूपी चुनाव के परिणाम को लेकर बिहार की राजनीतिक दल भी अपने नजरे बनाए हुए हैं। इस दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में एक तरफा वोट पड़ रहा है, बीजेपी की सरकार का उत्तर प्रदेश में सफाया होने वाला है। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दौरान सत्तारूढ़ दल की ओर से मतगणना को प्रभावित करने का अंदेशा जताया है। यूपी के विधानसभा के सातवें चरण में 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। यूपी में सातवें और अंतिम चरण के लिए कुल वोटिंग शाम 5 बजे तक 54.18% हुआ मतदान। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की कि जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा 364 के बूथ नंबर 365, 366 पर हो रहा है फर्जी मतदान। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आयोग से शिकायत की है कि जौनपुर जिले की 367 मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 408, 409 पर फर्जी मतदान हो रहा है। सपा ने ट्वीट कर लगाया आरोप कि मिर्जापुर विधानसभा 396 के बूथ संख्या 311 पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे, गेट से बाहर भगा दे रहे हैं। मंत्री मुकेश सहनी के विभाग पर राजद एमएलसी का बड़ा खुलासा, बिहार के पशुपालकों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बड़ा घपला किया गया है। राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कल विधान पार्षद में यह गंभीर मामला उठाया। विधान पार्षद ने सदन में बताया कि गव्य विकास के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए विश्वसनीय व सरकारी संस्थान को छोड़कर एक निजी संस्थान को काम दे दिया गया है। बिहार में 99 पुलिस थाना है लापता, नहीं ढूंढ पा रही पुलिस, विधानसभा में उठा मामला। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कल छठवें दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस की गई, कई मुद्दों पर सरकार घिरती नजर आई। इसी बीच एक अजब मामला भी सदन में उठा। यह मामला था बिहार से पुलिस थाने के लापता होने का। दरअसल बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बिहार के 99 लापता थाने की जाँच कराने का मुद्दा सदन में पलट कर रखा था, जिसका उन्हें ऑनलाइन जवाब आया। बीजेपी विधायक ने अल्पसंख्यकों पर की टिप्पणी, स्पीकर से फटकारा, किसी की टोपी पगड़ी पर आपत्ति कीजिए, ये उचित नहीं है। विधानसभा के अंदर पंचायती राज विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बहस के दौरान एक बार फिर हंगामे को हो गया। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने कह दिया कि अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी होते हैं। बिहार में नहीं रुक रहा शराब का कारोबार, पटना में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य निषेध विभाग और बिहार पुलिस की टीम लगातार शराब की तस्करी के लिए अभियान चला रही है, लेकिन बिहार में शराब पर रोक नहीं लग रही है। पटना में एक स्कूल ऐसा है जहां नहीं है शौचालय की व्यवस्था, छात्र घर से पानी पीकर नहीं जाती स्कूल। पटना बिहार में जहां एक तरफ कई जगह ऐसी हैं जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके अभी भी पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां के सरकारी स्कूल में आज तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस।
बिहार के DGPS के सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दरभंगा स्थानीय MMTM कॉलेज में दहेज मुक्त भारत के राष्ट्रीय संयोजक कमल राम विनोद झा उर्फ कमल सेठ की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज को दहेज मुक्त भारत का बिहार अध्यक्ष और पुष्पा झा को संगठन का महिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय संयोजक कमल सेठ ने कहा कि विवाह आज के समय में गरीब बेटी के पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए संगठन ने सामूहिक विवाह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बिरौल प्रखंड की डुंगरी पंचायत स्थित एक निजी आवासीय परिसर में संघ के गठन को लेकर नव निर्वाचित मुखियाओं की बैठक हुई। अध्यक्षता डुमरी पंचायत के मुखिया राम प्रवेश साहू कर रहे थे। बैठक में पंचायतों का समपूर्ण विकास एवं जन प्रतिनिधियों की समस्याओं के निदान के लिए संघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सर्वसम्मति अध्यक्ष पद पर बैरमपुर के मुखिया सरोज कुमार चौधरी, सचिव पद पर साहू की मुखिया प्रमिला यादव, उपाध्यक्ष के रूप में पपरी मुखिया श्रवण ठाकुर, पटनिया मुखिया रीता देवी को कोषा अध्यक्ष एवं संयोजक के रूप में पोखराम, दक्षिणी मुखिया मालती देवी को चुना गया। बिहार में घर की छत पर चल रही थी शराब की पार्टी। महिला मुखिया समेत पुलिस कर्मियों ने जमकर छलकाया जाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब समेत अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान का बिहार के लोगों पर असर होता नहीं दिख रहा है। मामला समस्तीपुर का है, जहां शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला मुखिया से लेकर पुलिस कर्मी जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। महेंद्रनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी को अपराधियों ने मारी गोली, हालात गंभीर, PMCH पटना रेफर। बिहार के सिवान जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने सिवान के प्राचीन महेंद्रनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी को गोली मार दी। घायल पुजारी के परिजनों ने शिशु नगर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार महेंद्रनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा को अपराधियों ने सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे चैनपुर OP रामगढ़ ईंट भट्टे के समीप गोली मारी। मोदी पुतिन के बीच हुई 50 मिनट तक बातचीत। PM मोदी ने कहा, पुतिन जेलेंसी करे बात, आपस में सुलझाए मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल बातचीत हुई। दोनों नेताओं के करीब 50 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थितियों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति पर PM मोदी को जानकारी दी। PM ने राष्ट्रपति पुतिन से आग्रह किया कि वे अपनी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसी के साथ बातचीत करें। PM मोदी ने युद्ध विराम की घोषणा और यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मानवीय गलियारों की स्थापना की सराहना की, जिसमें सुमी भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। रूस के खिलाफ एकजुट होने के लिए विश्व भर के नेताओं की मेजबानी करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन। यूक्रेन पर हमलों की होगी चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के अवैध और क्रूर हमलों के बाद से हमने दुनिया को यूक्रेन के साहसी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े होते देखा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है, लेकिन रूस ने मुकदमे का बहिष्कार कर दिया है, जबकि यूक्रेन की तरफ से फौरन इस लड़ाई को रोकने की अपील जारी की गई है, जबकि रूस ने सुनवाई को खारिज कर दिया है। बिहार में एक रात में डबल मर्डर की 2 वारदातों से उड़ी मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद। मोतीपुर के बाद पारू में डबल मर्डर। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक हो गई है। मुजफ्फरपुर एक रात में डबल मर्डर की 2 वारदातों से थर्रा उठा है। मोतीपुर में डबल मर्डर की घटना का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पारू थाना क्षेत्र में फिर डबल मर्डर की खबर आई है। पारू थाना के बदहीनपुर गाँव में 2 युवक की हत्या की वारदात सामने आए हैं। सिंहवाड़ा दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ पर सिमरी में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी करने का खुलासा हुआ है। चोर पुलिस को देखते ही भाग गए, लेकिन भागने के दौरान तेल निकालने के लिए उपकरण एवं इनोवा कार वहीं छूट गई। उसे सिमरी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया गया है कि NH पर खड़े ट्रक से डीजल की चोरी करने वाला यह ग्रुप इनोवा कार से ही चोरी को अंजाम दे रहा है। दरभंगा DMCH के रीजनल ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को अब मुख्यमंत्री डिजिटल ब्लड डोनर कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।
डिजिटल कार्ड उपलब्ध होने के बाद अब गरीबों से हजारों की राशि ठग कर उन्हें ब्लड उपलब्ध कराने वाले खून के सौदागरों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। वहीं दूसरी ओर चंद पैसों के लिए खून के सौदागरों को ब्लड बेचने वाले प्रोफेशनल डोनरों पर भी किसकंजा कसा जाएगा। इसे खून के दलालों की मंशा पर पानी फेरने के लिए सरकार की ओर से वन कार्ड वन डोनर सुनिश्चित कराने को लेकर डिजिटल कार्ड की योजना लागू की गई है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहें हम आप तक।